श्रेणी और मैं आप लोगों के साथ एक बहुत अमेजिंग बुक का रिव्यू आज शेयर करने वाली हूँ, विच इज़ इकिगाई। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें जानते हैं कि इकिगाई का मतलब क्या होता है। इकिगाई एक जैपनीज वर्ड है जिसका मतलब होता है द पर्पस ऑफ लाइफ। ओके, एक रिसर्च का रिजल्ट है जो कि हुई थी जापान के ओकिनावा शहर के लोगों के ऊपर, क्योंकि जो ओकिनावा शहर में रहने वाले लोग हैं उनका जो लाइफ स्पैन है, लंबी लाइफ जीने का जितना परसेंटेज है वो कहीं ज़्यादा है ग्लोबली परसेंटेज के जो कि लंबी लाइफ जीते हैं। तो जो राइटर्स हैं वो ये जानना चाहते थे कि ऐसा क्या लाइफ स्टाइल है और ये किस तरीके से अपनी लाइफ को जीते हैं कि वो हैप्पीली और हेल्दी तरीके से मोर देन 100 ईयर्स अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं। सो ऑन ऑल दोज रिसर्च ऑन केस स्टडीज थ्योरीज ऑल आर रिकॉर्डेड इन टू दिस बुक। आपको सभी कुछ इस बुक में मिलेगा। राइटर्स ने बहुत ब्यूटीफुली अपनी लाइफ का इकिगाई जानने के लिए एक चार्ट दिया है जो कि चार फैक्टर्स में है। फर्स्ट इज व्हाट इज, चार्ट में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ कि व्हाट यू लव, देयर आर फोर फैक्टर्स, व्हाट यू लव, व्हाट यू आर गुड एट, व्हाट यू आर पेड फॉर एंड व्हाट वर्ल्ड नीड्स। तो जब आप दो फैक्टर्स, स्टार्टिंग के दो फैक्टर्स के बीच की बात करते हैं तो व्हाट यू आर गुड एट एंड व्हाट यू आर लविंग, व्हाट यू लव। ओके, तो ये जब दोनों चीज़ें इंटरसेक्ट होती है तो यू गेट द पैशन ऑफ योर लाइफ। ओके, एंड देन व्हेन यू कम्स व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर गुड एट एंड व्हाट यू आर गेटिंग पेड फॉर, मतलब जो चीज़ें आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और उसके लिए आपको आपका इनकम सोर्स भी है जो कि आप उससे पैसे कमा रहे हैं, तो दिस इज़ योर प्रोफेशन, विच इज़ द सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट इंटरसेक्शन बिटवीन what you are getting for, what you are getting paid for and world needs it, this is vocation. And the last and fourth factor, what you love and what the world requires, that is mission. तो ये जो चार फैक्टर्स हैं बहुत ब्यूटीफुली इसमें सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किए हुए हैं कि जब आप ये अपनी लाइफ के बारे में जानते हैं तो यू गेट टू नो व्हाट इज़ योर इकिगाई। हर इंसान का एक पर्पस होता है लाइफ में, कोई ना कोई मोटिव होता है जिसके लिए वो सुबह अपनी आँखें खोलता है, राइट? तो दिस इज़ द बुक, एंड ये बुक जो है बहुत अमेजिंग और सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करती है लाइफ को किस तरीके से आप जी सकते हैं। बहुत सारी थ्योरीज इसमें साइकेट्रिस्ट के थ्रू, व्हाट आर द थ्योरीज जिसके ऊपर रिसर्च की गई, लोगों के एक्सपीरियंसेस, केस स्टडी, ओकिनावा में जो लोग 100 पार मतलब अपनी लाइफ मोर देन 100 ईयर्स जी रहे थे और बहुत खुशहाली से जी रहे थे, एक्टिवली हेल्दी तरीके से जी रहे थे, उनके एक्सपीरियंसेस और उनकी केस स्टडीज। और यहाँ पे बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ें आपको बताई है, लाइक सबसे पहले लॉगोथेरेपी के बारे में बात करते हैं। स्टार्टिंग में ये फोकस करते हैं, ये बुक फोकस करती है टू गेट टू नो योर इकिगाई, व्हाट इज़ योर पर्पस इन योर लाइफ एंड हाउ यू कैन नो दैट व्हाट इज़ योर पर्पस इन योर लाइफ एंड किस चीज़ के साथ आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है कि आपको खुशी भी मिले और आप हैप्पी हेल्दी तरीके से अपनी लाइफ को जितना लंबा जी सकते हैं उतना जी सके। उसके बाद ये बुक धीरे धीरे मूव करती है इस रिसर्च पे, थ्योरीज पे, लाइक लॉगोथेरेपी के बारे में बात करती है, मोरीटो थेरेपी के बारे में बात करती है जिसमें बताते हैं एक्सेप्ट योर फीलिंग्स, एक्सेप्ट योर सेल्फ एंड एक्सेप्ट द इमोशंस यू आर हैविंग। लाइक व्हेन यू एक्सेप्ट योर सेल्फ, योर फीलिंग्स, यू लव योर सेल्फ एंड वंस यू लव योर सेल्फ उसका एक पॉजिटिव ऑरा ही अलग है। ओके, देन ग्रेजुअली दिस बुक मूव्स टू केस स्टडीज, बहुत अमेजिंग अमेजिंग एक्सपीरियंसेस और केस स्टडीज इस बुक में बताते हैं जो कि लोग एक्सपीरियंस करते हैं और विद द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स उनका थॉट प्रोसेस किस तरह चेंज होता है। देन ग्रेजुअली ये मूव करते हैं कि लाइफ में फ्लो होना कितना इम्पॉर्टेंट है, विदाउट फ्लो यू कैन नॉट लाइक सर्वाइव और विदाउट डिस्ट्रैक्शन। फ्लो के साथ साथ आपको अपनी लाइफ में अगर आप कोई एक चीज़ कर रहे हैं तो उसे विदाउट डिस्ट्रैक्शन आप कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, और उसमें अगर आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है तो उसका सक्सेस रेट भी ज़्यादा होता है ना।
वो इसमें बहुत अच्छे ब्यूटीफुल तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। देन दिस मूव्स इन लास्ट चैप्टर्स की लाइफ के क्या तरीके हैं, आपको किस तरीके से जीना चाहिए। ओकिनावा के जो लोग हैं उनसे इंटरेक्शन जो राइटर्स ने किया उसका इंटरेक्शन इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके सिंपल तरीके से रिकॉर्ड किया है बुक में। आप पढ़ोगे तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर फोकस किया है। फर्स्ट तो गेट योर पर्पस इन योर लाइफ, नो योर पर्पस, मतलब क्या पर्पस है आपकी लाइफ का जिसके लिए आप ये लाइफ जी रहे हैं, तो और उसके लिए आप और क्या बेटर कर सकते हैं कि वो पर्पस आप अचीव कर सके लाइफ में। फिर इन्होंने फोकस किया है कि जो ओकिनावा के लोग हैं वो कहते हैं कि आपको कभी लाइफ में रिटायर नहीं होना चाहिए। लाइक रिटायरमेंट से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप कोई जॉब प्रोफाइल कर रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं बताया कि आप किसी जॉब प्रोफाइल में हैं देन यू गेट द रिटायरमेंट, वो वाला रिटायरमेंट नहीं है। दिस इज़ लाइक एवरी डे यू शुड बी इन्वॉल्व इन समथिंग, मतलब कि आपको ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हाँ बस अब बैठ गए हैं, अब लाइफ में और कुछ नहीं है, बस बैठना है आराम करना है। यू शुड नॉट रिटायर फ्रॉम योर लाइफ। इसके अलावा इन्होंने फोकस किया है कि ईट मोर एंड मोर वेजिटेबल्स, इनकॉर्पोरेट मोर एंड मोर वेजिटेबल्स फ्रूट्स इन योर डाइट, शुड ईट टिल योर स्टमक इज 80% फुल। लाइक आपको कम्प्लीटली अपने आप को फुल नहीं कर देना कि हाँ अच्छा लग रहा है बहुत सारा, नहीं ये नहीं करना है। सो एंड ऑल्सो दिस बुक टेल्स कि इसमें और जो एक्सपीरियंस है ओकिनावा के लोगों के वो ये बताते हैं कि इनकॉर्पोरेट एक्सरसाइज इन योर लाइफ डेली। क्या होता था कि पहले की लाइफ स्टाइल ऐसी थी कि उसमें बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ की डिमांड होती थी, बट नाउ वी आर जनरेशन इन लाइफ स्टाइल वेयर वी डू नॉट मूव एज मच। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि एवरी डे 15-20 मिनट का एक्सरसाइज आपको अपनी रूटीन में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इन लोगों ने एक्सपीरियंस शेयर किया है उसमें बोला है कि सेलिब्रेट योर लाइफ फ्रेंड्स, सेलिब्रेट योर मोमेंट्स, सेलिब्रेट योर लाइफ। छोटी छोटी जो खुशियाँ होती है उसी के साथ ये लोग अपनी लाइफ को और बेहतरीन बनाते हैं और बेहतर बनाते हैं। सो इस तरीके से बुक ग्रेजुअली एंड पे आती है और एक्सपीरियंस के और केस स्टडीज़ पे ही ये एंड लेती है। और इतना ब्यूटीफुली राइटर ने इतना सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे लाइफस्टाइल को और एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है कि आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि दिस आफ्टर दिस रिव्यू इफ़ यू फील कि हाँ ये बुक कुछ आपको सिखाएगी, प्लीज़ प्लीज़ गो एंड रीड दिस बुक, दिस इज़ अमेजिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। एंड अगर आपको मेरा बुक रिव्यू अच्छा लगा है तो प्लीज़ लेट मी नो इन कॉमेंट बॉक्स सो दैट आई कम विथ फर्दर बुक रिव्यूज। दिस चैनल इज़ टोटली अबाउट वॉट आई फील इज़ गुड एंड आई वॉन्ट टू शेयर विद द पीपल कि लाइफ हम लोगों के साथ साथ में और बेहतरीन बन जाए। Okay, so this is Ashwini signing off. Thank you so much for watching.